An Academy. Let's crack it. सर एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जनरली, जैसे ऑब्वियसली बात है मैं क्लासेस लेता हूँ वगैरह, तो ये सवाल मेरे सामने हजारों बार, डेफिनेटली सर आपके सामने भी कई बार है जो आया होगा। स्टूडेंट एक सवाल होता है कि क्या सर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, तो जो लॉ है क्या इसकी पढ़ाई में सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकता क्या, क्या इसको सेल्फ स्टडी में क्रैक नहीं कर सकता? सी, जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर हुआ तो उस टाइम अकेडमीज बहुत कम होती थी, एक दो अकेडमीज होती थी दिल्ली में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारे कंपटीशन में सब वो लोग थे जो सेल्फ स्टडी करते थे। अब टाइम्स चेंज हो गए, अब क्या होगा, इतनी सारी डाइम अ डजन आपकी अकेडमीज खुल गई, वहां पे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको पकी पकाई खीर दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये नहीं मैं कहता कि सेल्फ स्टडी वाला जज नहीं बन सकता, पर अगर हम पिछले, मैं 10 साल की बात कर सकता हूं, अगर हम पिछले 10 साल के रिकॉर्ड देखें तो अगर 100 जज बन रहे हैं तो 90 वो हैं जो कहीं ना कहीं अकेडमी से पढ़ के आए हैं, 10 वो हैं जो अपनी मेहनत, जो भी बहुत साल लगे रहे उन्होंने किया। सेल्फ स्टडी ए, अगर आपको पता है कि कैसे करनी है, कितनी करनी है, कितने डेप्थ में जाना है, तब सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ। बट ये आपको कौन बताएगा कि कितने डेप्थ में जाना है, इसका जवाब कैसे होना चाहिए, बेस्ट जवाब कैसे लिखना है, इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें मुझे अब लगता है कि अगर अकेडमी ना होती तो सेल्फ स्टडी काफी था, क्योंकि सारे ऑल वर सेलिंग इन द सेम बोट। पर अब ये नहीं है, अब क्या हुआ, कुछ लोग तो बड़े बड़े शिप्स में हैं और कुछ लोग अपनी नाव खुद चला रहे हैं, ये फर्क हो गया। सो मेरा अपनी ये राय है, क्योंकि नो डाउट अकेडमीज महंगी हैं और पेरेंट्स पे भार पड़ता है ऑलरेडी, वो कहते हैं तुम LLB पे इतना पैसा खर्च कर दिया, अब तो अकेडमी पे भी पैसा खर्च करवाएगा क्या? तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है हर माँ बाप का, विच इज वेरी जस्टिफाइड। बट एक ये भी पॉइंट है जो मैं निगेट नहीं कर सकता कि बिना अकेडमी के आई विल से एक पुश मिलता है, दीवार तो आपने ही कूदनी है, पर अकेडमी आपको नीचे से पुश करती है उसको कूदने में, ये हल्का सा जो फर्क होता है यही सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल कैंडिडेट में बन जाता है। सो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी कैन बी इनफ, बट दोज हु टेक कोचिंग फ्रॉम अकेडमीज स्टैंड एट अ आई विल से बेटर फुटिंग देन दोज हु आर ओनली डूइंग सेल्फ स्टडी। मेरे आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला पहले ज़माने में अकेडमीज नहीं थे, अब तो हर कोने में एक नई अकेडमी है और अच्छी अकेडमीज भी हैं, सो दैट इज़ वाई एक डेफिनेट एज मिल रहा है उन लोगों को। आपकी बात 100% अपना फिट भी होती है सर। इसका आंसर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं CRPC कुछ सेक्शन के साथ लिंक करके देना चाहूँगा। सर हमारे CRPC के अंदर जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है लिमिटेशन का, उसमें लास्ट वाला 473 एक सेक्शन आता है जो डिले को कंडन करने, मतलब देरी हो गई है तो माफी करने के बारे में बात करता है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा कर सकते हो। आप यही बात लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में देखोगे तो वहां पर भी मिल जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि समय और अवसर की भी अपनी एक समय सीमा होती है, और जब आप उस समय सीमा को लांग जाते हैं तो समय भी जो है आपको समय नहीं देता। एग्जैक्टली। सो अब क्या होता है सर, स्टूडेंट की लाइफ का एक फिक्स टाइम होता है कि वहां तक वो तैयारी कर सकता है, उसके बाद उसके ऊपर एक बर्डन आएगा। अब वो बर्डन चाहे मैरिड लाइफ का है, चाहे वो जिम्मेदारी का है, चाहे पैसे कमाने का है, किसी भी सेंस में, ये बात फैक्ट है, आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट से बताना क्या ये इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो। तो जब उसके ऊपर बर्डन आता है ना, तो वो क्या करता है, फिर अपने मेन टारगेट से हट जाता है। यानी कि आपके पास एक टाइम लिमिट है, आप अगर तैयारी कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और गर्ल्स के केस में तो और भी कम होता है सर, क्योंकि उनके ऊपर एक शादी का भी एक अलग जो प्रेशर आ जाता है। ऐसे केस में आपके पास एक लिमिटेड समय है, घर आप दूसरे शब्दों में हो तो घर वालों ने आपको एक टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको चीजें या तो क्रैक करनी है या डिसाइड करना है कि इन विच डायरेक्शन यू वॉन्ट टू मूव अहेड। अब बात करें सर सेल्फ स्टडी की, सर क्या होता है सेल्फ स्टडी, मेरा एक प्रश्न जो मेरा छोटा सा अनुभव रहा है सर टीचिंग लाइन के अंदर भी, तो मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी के अंदर जब आप चीजों को खुद, सर चाणक्य का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ मैं, कि जिंदगी के अंदर हर ठोकर खुद खाएगा और सीखने का प्रयास करेगा तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी।
इसलिए दूसरों के अनुभव से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर दे। ये कौटिल्य चाणक्य जी ने बहुत पहले बात की थी और आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है, क्योंकि जो आपका गुरु होता है, जो मार्गदर्शक होता है, जो टीचर होता है, वो ठोकरे खा खा के उस लेवल पे पहुंचा है, वो न जाने कितने दिमागों से लड़ लड़ के वहां पे पहुंचा है। उसको कई बार बारीकियां पता होती है कि यहाँ आगे खड्डा है, यहाँ छलांग लगानी है, यहाँ आगे नदी का पानी आएगा, यहाँ तैरना है, वो सारी बातें आपको गाइड करता है, और नहीं तो खुद खड्डे में गिर के एक बार वापस बाहर निकलेंगे। आप कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन समय की कीमत आपको अदा है जो करनी पड़ती है। सर अब मुद्दा ये आता है कि कैसे डिसाइड करें, ये बात कैसे पता चले, तो मैं एक सिंपल सा, एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों को देता हूँ, जो आप खुद को दीजिएगा। आप 7 दिन का एक स्ट्रेटजी बना के प्लान करो कि 7 दिन ये मेरी रणनीति है, ये मेरा टाइम स्केड्यूल है, मुझे इतने बजे सुबह उठना है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज करनी है और ये मेरे को कोर्स कवरेज करना है। 7 दिन के अंदर अगर नहीं कर पाओ तो अपने साथ धोखा मत करो। जहां पे आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप सर के पास जाए, मेरे पास जाए, अनअकैडमी ज्वाइन करें, कहीं पर भी, जहां पर आपका मन लगता है, जहां पर आपको सही लगता है, वहां जाके ज्वाइन करें, लेकिन इस युवा अवस्था को जस्टिफाई करें, इस यंग एज को जस्टिफाई करें प्रिपरेशन के एंगल से। संविधान का आर्टिकल 14 भी कहता है इक्वलिटी अमॉन्ग्स इक्वल्स, तो बराबर लेवल का प्रिपरेशन होगा तो कंपटीशन बराबर लेवल का आएगा, और कहीं ना कहीं इस कटु सत्य को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, अरे तुम लॉ ग्रेजुएट के कैंडिडेट हो,